हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आम ओडिया टेक ब्लॉग चैनल को स्वागत। आज आम ये वीडियो रे जानिबा किपरि घरे बसी आपण ऑनलाइन रे BSQI नवीन कार्ड को अप्लाई करि परिबे। जदि आपणंकर परिवार ग्रामांचल रे रहउचंती, जदि आपण ओ आपणंकर परिवार रो सदस्य मानक मधेरु केही सरकारी कर्मचारी नुहंती किंबा सरकारी पेंशनधारी नुहंती, ता सहित जदि आपणंकर परिवार रो केही आयकर दाता होइ नथिबे एवं आगुरु आपणकर जदि BSQI कार्ड नथिबो ताले आपण BSQI नवीन कार्ड पे अप्लाई करि परिबे। आपण माने जानिथिबे BSQI नवीन कार्ड अप्लाई करिवार शेष तारीख होची 16/1/2024। चालंतु सिखिबा किपरि ऑनलाइन रे आपण BSQI नवीन कार्ड को अप्लाई करिवे। BSQI नवीन कार्ड को अप्लाई करिया पे आपणकर कंप्यूटर जे कोनोसी गोटे ब्राउजर को ओपन करंतु। एठारे आपण BSQI नवीन ओडिसा लिखि के सर्च करंतु। आपणको प्रथमे जो वेबसाइट टी शो करुछि BSQI नवीन .odisha.gov.in से वेबसाइट उपर क्लिक करंतु। वेबसाइट टी ओपन हि सारला पर आपण तळकु स्क्रॉल करि देखि परिबे को माने एथि पई एलिजिबल आउ कोन कोन डॉक्यूमेंट सब दरकार, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब डिटेल्स लिखा अछि। आपण जदि चाहौ चंदी पढ़ी परिबे एठु आपण आपणकर डाउनलोड गाइडलाइन को मध्य करि परिबे। एठे आउ किछि FAQ अछि, FAQ जदि आपण पढ़िया पई चाहौ चंदी ताले FAQ मध्ये पढ़ी परिबे। तो BSQI नवीन कार्ड अप्लाई करिया पई जदि चाहौ चंदी ताले एठे रजिस्टर नाउ उपर क्लिक करंतु। तळकु टिके स्क्रॉल करंतु, एठे इंस्ट्रक्शन जदि चाहौ चंदी पढ़ी परिबे। एठे डिक्लेरेशन रे सब गुडा को टिक कर दियंतु। देन आपण जदि हेड ऑफ द फैमिली जे अप्लाई करचंदी, जदि से हेड ऑफ द फैमिली हेतिबे ताले एठी हेड ऑफ द फैमिली उपर क्लिक करंतु। जदि आपण जदि परिवार रो कोनोसी सदस्य ताहाले आपण एठी आई एम मेंबर ऑफ द फैमिली रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ द फैमिली उपर क्लिक करंतु। तो एठी क्लिक कर सारला परे एठी आपणकर आधार नंबर टी को टाइप करंतु। देन एठी आपण वेरीफाई उपर क्लिक करंतु। देन गेट OTP उपर क्लिक करंतु। आपणकर मोबाइल को आसतिबा OTP टी को एठी टाइप करंतु। देन वैलिडेट एंड कंटिन्यू उपर क्लिक करंतु। आधार वैलिडेट कर सारा पर आपणकर आधार कार्ड रु किसी इनफर्मेसन ये ऑलरेडी प्रीफिल्ड होकर आसी सारी। जदि आप फोटो को चेंज करने चाहते तो ये अपलोड फोटो उपर क्लिक करके आप फोटो चेंज करेंगे। ये आप देखुवे आपणकर ना, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब ऑलरेडी प्रीफिल्ड अच्छी। जो सब फिल्ड प्रीफिल्ड नसब को आप टाइप करनी। ये देखते फादर्स नेम, ये आप फादर्स नेम को टाइप करनी। देन आपण मदर नेम को टाइप करंतु। रिलेशनशिप विथ HOF, HOF मीन्स हेड ऑफ द फैमिली। जदि आप मेंबर ताले हेड ऑफ द फैमिली सहित आप रिलेशन कौन ये आप सिलेक्ट कर नियंतु। देन एठी आप सोशल कैटेगरी आप कास्ट जहाँ से आप सिलेक्ट कर नियंतु। देन मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करंतु। एठी आप जदि मेरिट ताले स्पाउस नेम को एठी मेंशन करंतु। देन एठी आपणकर ऑक्युपेशन को एठी आपण सिलेक्ट करंतु। एठी आपणकर वोटर आईडी कार्ड नंबर टी को टाइप करंतु। एठी आपणकर वोटर आईडी टी को आपण एठी अपलोड करै नियंतु। भोटर आईडी टी अपलोड कर सारा पर एठी आपणकर मोबाइल नंबर टी को टाइप करंतु। देन आपण गेट OTP उपर क्लिक करंतु। वर्तमान आपणकर मोबाइल को जाइथिबा OTP टी को एठी टाइप करिकी सबमिट कर नियंतु। देन आपण तळकु स्क्रॉल करंतु। एठी आपणकर परमानेंट एड्रेस को सिलेक्ट कर नियंतु। ब्लॉक को सिलेक्ट करंतु। देन GP सिलेक्ट करंतु। विलेज को सिलेक्ट करंतु। देन पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करंतु। देन आपणकर पिन कोड जदि प्रीफिल्ड नथिबो ताहाले पिन कोड टिको मध्ये टाइप कर नियंतु। एठी आपणकर डिटेल्स एड्रेस मध्ये टाइप करि परिबे। देन तळकु स्क्रॉल करके एठी आपणकर फैमिली मेंबर डिटेल्स को फिल अप करंतु। आपणको परिवार जेते जण सदस्य रहउचंती वन बाय वन इंडिविजुअल आपण फिल अप करंतु। प्रथमे डेट ऑफ बर्थ को फिल अप करंतु। देन तांगर आधार नंबर टिको एठी टाइप करंतु।
मेंबरको ना लिखंतु, तांगरो जेंडर को सिलेक्ट करंतु, मेरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करंतु, जदि मेरिट तले स्पाउस नेम को एठी मेंशन करंतु, सोशल कैटेगरी आपनकर कास्ट जहा थिबो कास्ट को सिलेक्ट करंतु, देन एठी मोबाइल नंबर को टाइप करंतु, देन फादर नेम को एठी टाइप करंतु, मदर नेम को मते टाइप करनी होंतु, ऑक्यूपेशन को एठी टाइप करंतु, देन एठी जदि आपन को पाखरे वोटर आईडी कार्ड अछि ताले वोटर आईडी कार्ड देई परिबे, जदि नाही स्किप मते करि परिबे, मैंडेटरी नो रिलेशनशिप विथ एचओएफ, जदि एचओएफ सहित रिलेशनशिप कोन सेटा को एठी सिलेक्ट करनी होंतु, जदि सेल्फ हेतिबे देन सेल्फ बोली सिलेक्ट करनी होंतु, देन डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन उपर क्लिक करंतु, जदि आपणकर ना आधार सहित मैच करजिवो ताहाले आपणकर वेरीफाइड हेजिवो, जदि आधार डाटा सहित आपण देइथिबा डाटा मैच न करे ताहाले एठी वेरीफाइड हे पारिबो नाही। थरे वेरीफाइड हे सारला पर एठी ओके उपरे क्लिक करंतु, जदि आपणक फॅमिली रे आउ मेंबर अछन्ते देले एठी एड मेंबर उपरे क्लिक करिके इंडिविजुअल आपण ऐड करि परिबे गोटे गोटे फॅमिली मेंबर कर सारा पर एठी आपण देखि परिबे फॅमिली मेंबर्स रे आपण जेते जण फॅमिली मेंबर्स को ऐड करथिबे तार डिटेल सेठी तळे शो करिवो। शो कर सारा पर जदि आपण सब मेंबर को एंट्री कर सारछन्ति देन एठी हैव ऑल फॅमिली मेंबर्स एडेड एठी येस कर देबे। येस कर सारा पर एठी आपणकर सबमिट रे बटन आसिबो। सबमिट रे बटन आ सारा पर आपण सबमिट कर देले फाइनली एप्लीकेशन टी सबमिट हे जिवो। एप्लीकेशन टी सबमिट हेला पर आपण पाखरे गोटे एक्नॉलेजमेंट स्लिप मध्ये आसिबो। से एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आपण डाउनलोड करके आपण पाखे रखिथे, जितेबाला ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आपंकर फिजिकल वेरिफिकेशन करापर आपण को बीएसकेवाई कार्ड टी आपको मिलजो। बीएसकेवाई कार्ड मिलवा पर आप मे 1, 2024 रु आप बीएसकेवाई कार्ड रे फायदा उठाई पारे। यही भाव में आपड़ ऑनलाइन रे आवेदन करेंगे बीएसकेवाई नवीन कार्ड पर। जदि आपन को अप्लाई करिया टाइम रे कौन सी प्रॉब्लम हो वीडियो रे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करें। वीडियो टी शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद। जय जगन्नाथ।